नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। जहां लोग अपने लिए काम करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं, वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को खुशियां देने के लिए टॉयज ऑफ टॉट्स क्लब ग्वालियर की टीम ने गरीब बच्चों को खिलौने बांटने का रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 में अपना नाम दर्ज किया, जिसे ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा लिम्का बुक का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्लब के अध्यक्ष हेमंत निगम ने बताया कि क्लब का उद्देश्य गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को खिलौने बांटकर खुशियां प्रदान करना है। क्लब अब तक 5000 से ऊपर खिलौने शहरी एवं ग्रामीण एरिया में बांट चुका है। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी ग्वालियर एवं टेबाई पीआई इंडिया प्रोफेसर लिमिटेड एवं रोटरी क्लब इंपीरियल ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजेश नायक यूनिट हेड ने स्वयं स्वच्छता से रक्तदान किया और कहा, मानवता ही सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। एक स्वस्थ इंसान ही दूसरे पीड़ित व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर ब्लड हेल्प कर सकता है। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। जेसीआई ग्वालियर तेजस्वी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर बीबीएम स्कूल में प्लांटेशन करवाया गया और बच्चों को प्लांटेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी चीफ गेस्ट प्रमिला वाजपेयी के द्वारा दी गई। बच्चों को बताया गया कि आज हम एक छोटा पौधा लगाएंगे और जैसे जैसे हम बड़े होंगे उसके साथ साथ वह पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, जो हमें छाया देगा और ऑक्सीजन देगा। विशेष अतिथि के रूप में बीबीएम स्कूल के संचालक मोहित जी उपस्थित रहे। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। जेसीआई ग्वालियर तेजस्वी की जे बिग के द्वारा आज लास्ट डे सेव अर्थ और सेलिब्रेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सेव अर्थ पर रंगोली बनाई और डांस करके सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुनील कटारे, गौरव सेन, विकास गुप्ता उपस्थित रहे। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। श्री राम जानकी मंदिर में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच कथावाचक जयंती किशोरी शर्मा ने कहा कि अगर जीवन में भक्ति करना है तो रूप जैसी करें, जो आज भी अपनी भक्ति से तारे के रूप में चमक कर अपनी पहचान लिए जाते हैं। भागवत कथा के दौरान कथावाचक ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन सबको मिलता है, जवानी किसी किसी को मिलती है और जीवन में बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो किस्मत वालों को देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ये बात निश्चित नहीं है कि बुढ़ापा आएगा ही, इसलिए बचपन से ही जीवन में भजन की आदत डालें। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक कार्यक्रम के सहयोगी बने हैं। नमस्कार, अब हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।